वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे हो कि बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से नहीं बोल सकते, एक महीने से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब कुछ तो काम चालू था। वो काम क्या है वो आपको आगे जैसे व्लॉग चलेगा वो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में भी एक सरप्राइज़ है, मतलब अगर वो हो सका तो, क्योंकि 7 दिन में वो आएगा ऐसे बोला था, क्योंकि अभी मेरे को रिलायंस डिजिटल जाने का है। तो वहाँ से मैं कन्फर्म करूँगा कि वो क्या होने वाला, अगर रिलायंस डिजिटल जा रहा हूँ मतलब कोई तो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ ही होगी। तो देखते, अभी उन्होंने मेरे को बोला था कि 2-3 दिन में आपका आ जाएगा। और दूसरी बात कि एक महीने से व्लॉग क्यों नहीं आया, तो उसका कारण मैं आपको अभी गाड़ी में बताता, क्योंकि मेरे को अभी आने के घर पे जाने का है, उसका भी एक वीडियो शूट करने का। तो मैंने मेरा वो गिम्बल वगैरह चाहिए था उसको, तो उसको देने को जाने का है। और केदार बाहर कब से खड़ा है, क्योंकि मेरे को व्लॉग बनना था इसलिए मैं घर में रुका था। तो अभी उसके बाद जाता है, उसको पूछता है, और उसने भी नया लैपटॉप लिया है, अगर ये व्लॉग में हुआ तो वो भी कवर करेंगे। हियर इज आवर फ्रेंड केदार वाड़े, से हाय टू माय व्लॉग्स। हाय गाइस, तो आप पीछे देख सकते हो ये बंदा कल ही बहुत बड़ा खर्चा करके आया है। तो अभी कितना खर्चा किया है वो देखें, कितना 1.5 पेटी ना, देखो कितना खुश है, देखो कितना खुश है, देखो ऐसे रहते पैसे वाले आदमी अपन। तो जब से हम घर से निकले हमने कुछ भी नाश्ता नहीं किया, मतलब मैंने तो नहीं किया, तूने किया है क्या? नहीं। तो अभी हम जाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे, फिर आने के घर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत काम है। मतलब अगर वहाँ पे जाके भी नाश्ता करेंगे तो उसमें 1-2 घंटे का जाएंगे, और हमको फिर से घर पे भी आने का। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को रिलायंस डिजिटल पे जाने का है, तो फिर आज बहुत सारे काम है। अब आज का व्लॉग कैसा बनेगा मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं, देखते अभी। तो अभी देखा कि मास्क के लिए बहुत पकड़ रहे हैं, मतलब हर सिग्नल पे वो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो खड़े हैं। अगर आपको पकड़ लेते वो करते क्या है कि आपका पहले फ़ोटो ले लेते हैं, फिर बाद में आपको 500 उनको पे करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उनके पास सबूत रहता है ना कि आपने फ़ोटो निकाल। तो हमारा भी अभी कटते कटते बचा नहीं तो 500 + 500 1000 रुपीज़ के लिए कटने वाला था। और पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद के जो लोग हैं उनको पता होगा कि बहुत मतलब जो बंदोबस्त है पुलिस का वो बहुत बढ़ गया है। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आपका लाइसेंस और मास्क साथ में रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी देखो चलो, अभी हम आ चुके हैं हमारे दूसरे घर पे, मतलब अनिकित के ही घर पे, वो अनिकित का ही घर पर। हम यहाँ पे आते रहते, मतलब हर रोज तो आते हैं, देखते अंदर ये क्या कर रहा है। इतनी देर से अनिकित घर पे आया हूँ, मतलब पर हमने कुछ भी शूट नहीं किया। ये देखो, ये इसका लेक्चर चालू था, अभी वो पूरा लेक्चर रैपअप किया। अभी ये जो लैपटॉप है इसके बारे में आपको बताने का है, और अभी इसका जो वीडियो शूट करने का मैंने आपको बोला था, तो उसके लिए कुछ तो भी ये हेलमेट का कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। अभी किसको पता है इसका माइक कैसे लगाते हैं तो कमेंट में बताओ मेरे को, क्योंकि हमने माइक लगाया पर मतलब जो पहले बोया का माइक था वो अभी हीरोइट को सपोर्ट नहीं कर रहा बोले। तो फिर अभी नया माइक लाया, तो वो है ना, मतलब जब गाड़ी मतलब 50 to 60 में अच्छा काम कर लेता है, पर बाद में क्या होता है, अनिकेत 50 तक ही काम करता है, 60 to 50 के बाद काम नहीं करता। आवाज़ आता है पर वो मतलब ऐसा खर खर टाइप कुछ तो भी आता है यार। हमने जो पिन भी चेक किया तो पिन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शायद से विंड अंदर जा रहा है। और इसके जो हेलमेट है उसको चिन गार्ड नहीं है, जो कि मयूर के एक्सोर के हेलमेट को है। इसको अभी दो ही ऑप्शन है, एक तो हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो चिन गार्ड है उसको भी जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी वही देखते हैं। अभी मैं लैपटॉप का शूट करने के लिए, मतलब जो आपको बताने का कौन सा लिया केदार ने, इसके लिए पूरा साफ वगैरह कर रहा है। तो अभी फटाफट साफ करता हूँ, अपन अभी डायरेक्ट लैपटॉप के स्पेसिफिक में जाते। चलिए देखते हैं अभी ये लैपटॉप में क्या खासियत है। मतलब ये जो लैपटॉप है इसका नाम एचपी का है, इसका मॉडल नंबर मेरे पता नहीं। अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो ये जैसे मेरे केदार ने बताया, ये बस क्रोमा में ही मिलता है। अगर वो भी मतलब ये इसका लिमिटेड पीस मिला था, इसमें कुछ 42, 43 या 44 ऐसे मतलब उसके बैच नंबर्स है, तो 42 और 43 मिल जाता है ये पर ये 44 वाला है। तो अगर वो आपके मतलब पास के क्रोमा स्टोर में अगर अवेलेबल है तो आपको मिल सकता है। इसका स्पेशल बता देता हूँ कि इसका
i7 10 जनरेशन है और इसमें ग्राफिक कार्ड भी है, मतलब GTX का ग्राफिक कार्ड है 1660 Ti वाला, जो अभी का मतलब लेटेस्ट वाला, इसके आगे भी है, पर ये काफ़ी, इसका प्राइसिंग का अगर बात करें तो इसका प्राइसिंग 1,52,000 तक जाता है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो चलो इसको पहले स्टार्ट करते हैं। इसका उसने मतलब बाहर से एक ये भी लिया है, माउस HP का ही है, लेकिन बहुत मतलब बहुत छोटा है, जैसे माउस 2 है ना अपना एप्पल का, वैसे ही फील दे रहा है। पर इसको गेस्चर्स वगैरह नहीं है जो माउस 2 के गेस्चर्स है, पर फिर ऐसे बोलेंगे तो फिर प्राइस में बहुत फर्क है। जो माउस 2 है वो 7,000 का, ये लगभग 1,000 से ही लिया उसने, क्रोमा से ही लिया, और ये लैपटॉप भी उसने क्रोमा से ही लिया। तो आप देख सकते हैं कि अपना जो ये वो चालू हो गया है, अभी हुआ ऐसा कि हमने मतलब लैपटॉप जो है मेरे सामने उसको शुरू तो किया, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट ही पता नहीं। तो अभी केदार से, केदार को कॉल किया क्योंकि वो दोनों बाहर गए हैं, मयूर और शिरकी, और वो तो अभी चालू किया था, अभी पता था उसका स्पेसिफिकेशन और क्या है। तो पहले तो आपको पता, तो इसका जो डिस्प्ले वो फुल्ली HD है, और लैपटॉप पूरा का पूरा स्क्रीन टच है। आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ है, मतलब नया है तो स्मूथ रहेगा, बाद में भी स्मूथ रहेगा। और इसको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है, और इसका अभी स्पीकर टेस्ट वगैरह अपन करते हैं। तो अभी इसका स्पीकर क्वालिटी चेक करते हैं अपन। तो और इसमें और बताने कि इसमें और एक मॉडल आता है जो इससे 50,000, मतलब जो बोला आपको स्पेक्ट्रा, तो ये जो वो मयूर के पास ही है। तो इसमें और इसमें फर्क इतना है कि वो जैसे बोला कि 360 वाला है, तो इसको भी अपन ऑन करते हैं। इसको भी फिंगरप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे साइड से फिंगरप्रिंट है, आप देख सकते हो। और ये जो आप, ये मयूर शिरके जो मेरे दोस्त थे, ये उसका लैपटॉप है, तो आप देख सकते हो दोनों में कंपेरिजन। और अब इसकी खासियत बताता हूँ मैं आपको, ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाता है, अपने इसको ऐसा ऐसे बैठ के भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी पूरा टच स्क्रीन है, एस एस करना पड़ता है। देखा, और यही सेम ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है जितना कि तो हम सवेरे से आने तो घर पे आ चुके थे, तो अभी हमारे घर पे जाने का टाइम आ चुका है, तो चलो घर पे जाते हैं। अभी हमारे घर पे जाके जाते हमको और अभी आधा घंटा लगेगा, देखो। तो चलिए बैठते हैं, अभी घर पे जाने का है यार, अपने कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा ना, आधा घंटा स्कूटी से हमको 20-25 मिनट पहुँच जाते हैं हम, पर कार है तो अभी आधा घंटा लगेगा। चलो घर पे जाके मिलता हूँ, अभी मेरे को घर पे जाके ये व्लॉग एडिट भी करने का है। चलना 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 चलना।